यूनिट नंबर 4 है हमारा पॉइंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंटर्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। द पॉइंटर इन सी इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, सी में पॉइंटर क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। ठीक है, अब जो यहाँ पे अनदर वेरिएबल की बात हम लोग कर रहे हैं, ये अनदर वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो एरे हो सकता है, वो फंक्शन हो सकता है और दूसरा पॉइंटर भी हो सकता है। ठीक है, द साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। ठीक है, अब जो पॉइंटर का साइज है, लाइक जो वेरिएबल का साइज होता था, ठीक है, इंटीजर का 2 बाइट्स होता था, डबल का कितना हो जाता था, 8 बाइट्स होता था। ठीक है, फ्लोट का कितना होता था, 4 बाइट्स होता था। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग इस 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करें, मतलब 32 बिट मशीन की अगर हम लोग बात करें, तो मैक्सिमम साइज वो 2 बाइट का लेता है। ठीक है, अगर 16 बिट मशीन की बात करें, जो पुराने सिस्टम्स होते थे, ठीक है, 16 बिट मशीन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वहां पे 1 बाइट का या फिर वहां पे भी 2 बाइट की ही मेमोरी लेता था वो। ठीक है, मिनिमम 1 बाइट लेता था और मैक्सिमम 2 बाइट की मेमोरी। ठीक है, एक छोटा सा मेमोरी स्पेस होता है जिसके अंदर हम लोग दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं होगी, उसमें एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इंट एन। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इंट एन, ये एक वेरिएबल है, हमने इसको 10 से इनिशलाइज कर लिया। 10 से इनिशलाइज कर लिया मीन्स इस एन के अंदर क्या आ गया, अब वैल्यू 10 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक ऑफ पी। ठीक है, एस्ट्रिक लगाने से क्या हो जाता है कि ये जो वेरिएबल p है वो पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब ये पॉइंटर मतलब इस एड्रेस को वो पॉइंट करेगा। अब हम लोग इन्हें यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल n। ठीक है, तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ n। अब ये एड्रेस ऑफ n किसके अंदर स्टोर हो रहा है, पॉइंटर p के अंदर। समझ में आया, पॉइंटर p के अंदर, मतलब ये पॉइंटर जो है वो क्या स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, सर एन का एड्रेस एन का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, एन का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, पॉइंटर का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, एस्ट्रिक लगाते हैं और इसके अंदर हम लोग एक एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का, और साथ में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एम परसेंट। ठीक है, एम परसेंट एन से हम लोग किसी भी वेरिएबल का, मीन्स एम परसेंट लगाने से हम लोग को किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मिल जाता है, और उसी एड्रेस को हम लोग किस में स्टोर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, डिक्लेयरिंग पॉइंटर, द पॉइंटर इन सी कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्ट्रिक सिंबॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्शन पॉइंटर यूज टू डिटर डी रिफरेंस ए पॉइंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्शन पॉइंटर यूज टू डी रिफरेंस ए पॉइंटर। ठीक है, अब डी रिफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे का अगर हम लोग एड्रेस ले लें, ठीक है, तो वो एड्रेस किसको रिफर कर रहा है, किसी वेरिएबल को रिफर कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी वेरिएबल का हम लोग एड्रेस लेके अपने पास रख ले। ठीक है, तो वैसे अब यहाँ पे हम लोग ने दो टाइप के पॉइंटर यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहला है इंटीजर का। ठीक है, यहाँ पे लिखा इंट, फिर लिखे एस्ट्रिक और उसके बाद ए, दोनों के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, जैसा वेरिएबल हम लोग बनाते हैं नॉर्मल वैसा ही हम लोग लिखेंगे, बस सामने क्या लिख देंगे, हम लोग एस्ट्रिक लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंटर बन जाएगा, और उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, किसका एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं,
नॉर्मल वेरिएबल होता तो क्या स्टोर करते हैं हम लोग, वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या क्या स्टोर करेंगे इसके अंदर, एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पॉइंटर का यूज क्यों करेंगे, क्यों इस टाइप का कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग जो नॉर्मल वेरिएबल से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब ये मान के चलो इंटीजर का है, इंट एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर है, मान लो मैं इसमें स्टोर करता हूँ 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंटर बनाया इंट एस्ट्रिक ऑफ वाई, ऐसा मैंने दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ एस्ट्रिक ऑफ वाई इक्वल टू एम परसेंट एक्स, ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। तो अब वाई के अंदर क्या आ गया, एक्स का एड्रेस आ गया, ठीक है। अब एक्स के अंदर क्या वैल्यू है इस पॉइंटर को नहीं पता है, एक्स के अंदर क्या वैल्यू है वो इस पॉइंटर को नहीं पता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसका एड्रेस पता है। जैसा रहता है ना, हम लोग को एड्रेस पता है लेकिन उस घर में कौन रहता है नहीं पता हमको, ठीक है। वैसे ही पॉइंटर क्या जानता है, सिर्फ एड्रेस जानता है। अब उस एड्रेस में कौन रहता है, क्या वैल्यू रहती है, किस टाइप की वैल्यू रहती है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं एस्ट्रिक ऑफ वाई, मतलब पॉइंटर वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ एस्ट्रिक ऑफ वाई प्लस वन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर वाई को प्लस वन से इंक्रीमेंट कर दिया, और किसमें स्टोर कर दिया, वापस से एस्ट्रिक ऑफ वाई में, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल बना है वाई, अब इस पॉइंटर वेरिएबल में क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स, मीन्स वो एक्सेस किसको करेगा, अब डायरेक्ट 50 को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 50 प्लस वन, ठीक है, और क्या आ जाएगा आउटपुट में, हम लोग को 51 मिलेगा, अच्छा ठीक है। अब ये 51 किस में जाके स्टोर होगा, पॉइंटर के पास क्या है, एड्रेस है। इस एड्रेस पे जाके इस 50 को क्या कर देगा, अब अपडेट करके 51 कर देगा, ठीक है। वो कहाँ पे घुसा, इसके घर पे घुसा, और घर पे जाके उसकी वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। मीन्स उसके एड्रेस पे गया और एड्रेस में जाके सीधा उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल से भी हो सकता था, नॉर्मल भी अगर हम लोग पॉइंटर नहीं लेते, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते एक्स प्लस वन भी अगर हम लोग करते तो भी वो अपडेट कर देता, हो सकता था। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर, डिफरेंस दोनों में यही है, ठीक है। एड्रेस पास करने से क्या हो रहा है कि इस पॉइंटर वेरिएबल को ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके पास जो भी वैल्यू होगा उस पे वो अपडेशन कर देगा, ठीक है। ये 50 के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, एड्रेस ऑफ एक्स पता है। आया समझ में, ठीक है। दोनों में, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में यही डिफरेंस होता है बस, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल में अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता होती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पता होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पॉइंटर पे ऑपरेट करते हैं तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है, हम लोग को सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन पता होता है, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता होता है। अब उस मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो एड्रेस को यूज करके हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, और जहां जहां पे ये एड्रेस पास होगा मीन्स हमेशा इसकी वैल्यू अपडेट होती जाएगी, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। तो एड्रेस के थ्रू हम लोग इस ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है ओरिजिनल वैल्यू पे चेंज करने का, ताकि हम लोग को बार बार वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे कि हम लोग कॉल बाय वैल्यू में करते थे, हम लोग फंक्शंस के अंदर अलग से वहां पे पैरामीटर देते थे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को लोकल वेरिएबल क्रिएट करना होता था, ठीक है, लोकल वेरिएबल करते थे ना, जैसे कि एक फंक्शन है FUN1 और यहाँ पे हमने ब्रैकेट दिया और यहाँ पे हम लोग लिखते थे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ऐसा हम लोग देते थे, है ना, ऐसा हम लोग देते थे। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पास करता हूँ तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, अभी डायरेक्ट 51 पास हो रहा है ना, मतलब वैल्यू पास हो रही है। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तब, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ FUN1, ठीक है, मैं सिंटेक्स अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे पास करता हूँ एक्स, ठीक है, ये कौन सा एक्स है, ये वाला, ठीक है। अब ये कौन सा एक्स है, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल, ये एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ वाला जो एक्स है वो ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है अपने प्रोग्राम पे, ठीक है। मैंने किसको पास किया, एक्स को पास किया यहाँ पे, और क्या पास हुई, वैल्यू 51 यहाँ पास हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक हटा देता हूँ, ठीक है, तो वैल्यू 51 कहाँ पे पास हुई, इस एक्स में पास हुई, ठीक है। और मैं यहाँ पे मान के चलो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन मैं कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन मैंने कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसी पे ऑपरेट करेगा, मीन्स यहाँ पे से वैल्यू उसको 51 मिली, 51 कैच किया, 51 प्लस वन क्या हो गया, 52 हो गया, 52 करके अपडेट कर देगा, लेकिन किस पे अपडेट करेगा, इसी पे अपडेट करेगा, है ना, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही वेरिएबल पे अपडेशन कर सकता है, मतलब जो भी चेंजेस करना होगा वो यहीं पे कर सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इसी के जगह यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर दे दूँ, क्या दे दूँ, पॉइंटर दे दूँ, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ एड्रेस, क्या पास कर दूँ, एड्रेस पास कर दूँ, ठीक है, और मैं ऑपरेशन किस पे करूँ, मैं इस पॉइंटर में करूँ, डायरेक्ट वेरिएबल पे ना करके हम लोग किस में करेंगे, पॉइंटर पे करेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर में क्या अवेलेबल है, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स में क्या है, 51 है, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, पॉइंटर बन चुका है, ये सिर्फ एड्रेस जानता है, किसका एड्रेस जानता है, इस एक्स का एड्रेस जानता है, ठीक है। मीन्स ये वैल्यू कहाँ पास होगी, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स में कौन सी वैल्यू है इसको नहीं पता, वो डायरेक्ट 51 को उठाएगा यहाँ पास कर देगा, पास किया यहाँ पे 51 प्लस 1 किया, किस में अपडेट कर दिया, डायरेक्ट इस मेमोरी लोकेशन पे अपडेट कर दिया, ठीक है। उसने इसको अपडेट नहीं किया, किसको अपडेट कर दिया, मेन ग्लोबल वेरिएबल जो था उसी को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मेमोरी क्या हुई, 2 बाइट की मेमोरी हमने क्या किया, बचा लिया, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग एक ही वेरिएबल से काम चला ले रहे हैं अभी, ठीक है, वो हम लोग दो दो वेरिएबल का यूज क्यों करेंगे, हमने क्या किया, 2 बाइट बचा लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल पे ही काम किया, हम लोग को एक ही वेरिएबल की जरूरत थी, ठीक है, तो हम लोग दूसरा वेरिएबल क्यों करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग को वैल्यू रिटर्न करनी होती, रिटर्न करने के बाद फिर एक कोई वेरिएबल पे कैच करना होता, हम लोग दो तीन वेरिएबल का काम करेंगे, लेकिन हम लोग ने क्या अभी क्या किया, सिंगल वेरिएबल बनाया, सिर्फ उसका एड्रेस पास करके ही हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। हमने 2 बाइट का मेमोरी यहाँ पे बचा लिया, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते, यहाँ पे एक और वेरिएबल लगता, वहां का भी हम लोग मेमोरी बचा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमने मेमोरी बचाने का काम किया, हम लोग ने एक ही वेरिएबल बनाया और उसी में ही अपडेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ मेमोरी सेव हो रही है, अभी तो हम लोग 4-5 लाइन की यहाँ पे कोडिंग किए, वैसे ही अगर मान के चलो हम लोग कोई ऐसा बड़ा सा प्रोग्राम बनाते जिसके अंदर हजारों वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है, हम लोग एक 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 वैल्यू के लिए अलग अलग मेमोरी यूज करते जाएंगे, मीन्स मेमोरी में सब वेरिएबल अगर यूज करते जाएंगे तो हमारा ही जो प्रोग्राम है बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, हम लोग को ही खुद समझ में नहीं आएगा। पॉइंटर यूज करने का यही मतलब है कि हम लोग वहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स ना यूज करके हम लोग सिंगल वेरिएबल पे ही ऑपरेट करें,
ठीक है, आया समझ में? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो ये पॉइंटर का है यही है। बाय द हेल्प ऑफ इनडायरेक्शन ऑपरेटर वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल पी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन में आ गए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं void, ठीक है, void main। और यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, नंबर, और इसको हम लोग 50 से इनिशलाइज कर लिए, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल पी बना लिया, ठीक है। जनरली हम लोग पॉइंटर वेरिएबल पी एक स्टैंडर्ड यूज करते हुए चलते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आए कि वो पॉइंटर है, ठीक है। इस पी में हम लोग ने क्या स्टोर किया, एम परसेंट नंबर स्टोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा चुके हैं, वो पी जो है पॉइंटर वेरिएबल ही है, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग करते हैं, तब वहां पे तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा ही है, ठीक है। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रिंटफ किए एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल इज परसेंट एक्स। परसेंट एक्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एड्रेस प्रिंट करने के लिए, क्या प्रिंट करने के लिए, एड्रेस प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एक्स जो होता है एड्रेस के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, पी हम लोग ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मतलब ये पॉइंटर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और पॉइंटर के अंदर क्या अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है नंबर का, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, पी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नंबर, देयर फोर प्रिंटिंग पी गिव्स द एड्रेस ऑफ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रिंट किया वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल इज परसेंट डी, और हमने यहाँ पे लिखा है एस्ट्रिक ऑफ पी, क्या लिखा है हमने, एस्ट्रिक ऑफ पी, और हमने यहाँ पे लिखा है परसेंट डी। इसका मतलब क्या करेगा, यहाँ पे उसको डी रेफरेंस कर रहा है, ये रेफरेंस पास किए हैं और यहाँ पे हम लोग डी रेफरेंस पास किए हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ नंबर किस में डाला है, पी में डाला है, उसके अंदर एड्रेस ही होगा, क्या होगा, एड्रेस। हमने यहाँ पे परसेंट एक्स लिखा है, मीन्स वो क्या होगा, एड्रेस के लिए यहाँ पे हम लोग परसेंट एक्स यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और हमने यहाँ पे बिना एस्ट्रिक के लिखा है पी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो उसके अंदर स्टोर होगा वो चुपचाप उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। और किस फॉर्मेट में करेगा, इस फॉर्मेट में करेगा, मीन्स एड्रेस के फॉर्मेट में करेगा। और यहाँ पे जो ये एक्स लिखा हुआ है, ये हेक्सा डेसिमल के लिए होता है, ठीक है। जो हमारा एड्रेस होता है वो हेक्सा डेसिमल में एड्रेस दिया जाता है, मतलब इस टाइप का, ये हेक्सा डेसिमल में बताया था, तीन टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। परसेंट एक्स हमने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करें, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल इज परसेंट डी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, परसेंट डी लिखे हैं। अब यहाँ पे हमने लगाया एस्ट्रिक ऑफ पी, एज वी नो नो दैट एस्ट्रिक इज यूज टू डी रेफरेंस ए पॉइंटर, देयर फोर इफ वी प्रिंट पॉइंटर ऑफ पी वी विल गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस कंटेंट बाई पी। अगर हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ पी लिखते हैं, तो वो किसको एक्सेस करेगा, इस वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल लिखते हैं, तो उसके अंदर जो एड्रेस है उसको ही वो एक्सेस करेगा, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम लोग बिना एस्ट्रिक के इसको प्रिंट करते हैं, तो वो एड्रेस तो स्टोर है उसके अंदर, तो वो उसी को प्रिंट करेगा। अगर हम लोग एस्ट्रिक के साथ इसको प्रिंट करते हैं, तो क्या करेगा, वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है। मतलब एस्ट्रिक के साथ में हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, तो वो डी रेफरेंस करता है उसको, और यहाँ पे रेफरेंस देता है उसको, ठीक है। रेफरेंस देना मतलब एड्रेस देना, ठीक है, और डी रेफरेंस करना मतलब उसके एड्रेस पे जाके उसके वैल्यू को एक्सेस करना, ठीक है। आया समझ में, रेफरेंस मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग किसी का रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देते हैं मतलब हम लोग उसको एड्रेस दे रहे हैं, तो
तुम इस एड्रेस पे जाओ और तुम अपना काम करो, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं, मीन्स हम लोग उसका एड्रेस नहीं दे रहे, हम लोग खुद जाएंगे और काम करेंगे अपना, ठीक है, हमको एड्रेस खुद पता है, हम खुद जाएंगे और खुद वहां पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो हमने खुद वहां पे जाके वैल्यू को एक्सेस किया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि हम लोग एड्रेस देंगे, वो एड्रेस को लाके हमें देगा, ठीक है।